नमस्कार मित्रों, मैं रमणीक वेग आपके समक्ष हूँ इस समय। और दोस्तों, यहाँ मैं आज बंद के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और इसमें दो चीज़ें ही मेन होती हैं। एक होता है मात्राओं की गणना, जिसको कहते हैं किस मात्रा में सांस ली, किस मात्रा में रोकी, कितने में निकाली और कितने में निकालने के बाद रोकी। और दूसरा होता है बंद। बंद होते हैं प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में स्थापित करते हैं कि कोशिका के स्तर पे दबाव बढ़ा सकें, कि कोशिकाएं खुलें और उनका कायाकल्प हो। तो दोस्तों, बंद तीन प्रकार के होते हैं। पहला बंद होता है जालंधर बंद, जिसका मतलब होता है कि हम अपनी ठुड्डी को गर्दन के ठीक नीचे ऐसे ले आएं और यहाँ पर रोक लें। इस बंद को दोस्तों कहते हैं जालंधर बंद। दूसरा बंद होता है उड़ियान बंद। उड़ियान बंद का मतलब होता है कि जैसे जब हम सांस लेते हैं तो पेट बाहर की ओर फूलता है, जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर को जाता है। जब हमने सांस छोड़ी, पेट अंदर को गया, उसके तुरंत बाद पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ लिया जितना सिकोड़ सके, और उस अवस्था में स्वयं को रोकने को हम उड़ियान बंद कहते हैं। तीसरा बंद है मूल बंद। मूल बंद का मतलब होता है कि जैसे आपने सांस ली तो पेट फूला, सांस छोड़ी तो पेट अंदर को गया, उसके तुरंत बाद आपने उड़ियान बंद लगाया, यानी कि पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर सिकोड़ा, उसके तुरंत बाद आपने आपके जो हाथ आपके घुटनों पे थे उनको पीछे ले गए जांघों की तरफ। ऐसा करने से आपके कंधे थोड़े ऊपर की ओर उठ जाएंगे। तो कंधे ऊपर उठने के बाद आपने अपने कंधों को जानबूझकर पीछे की ओर खींचा और गुदा द्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचा और इस स्थान में अपने आप को रोक लिया, इस स्थिति में अपने आप को रोक लिया। इसको कहते हैं मूल बंद। तो दोस्तों, बंधों का पालन अनिवार्य है और प्राणायाम करते समय आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कौन से समय कौन सा बंद लगाना है। तो अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ, या जापानी गार्डन से मेरा आप सबको नमस्कार।